गुरुग्राम पुलिस ने साल 2006 में आई फिल्म खोसला का घोसला की तर्ज पर पौश इलाकों में स्थित खाली पड़े प्लॉटों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें करोड़ों रुपए में बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। अपराध शाखा डीएलएफ फेज 4 ने इस मामले में महिला समेत 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अनुमान है कि यह गैंग बीते 2 साल में करीब करोड़ों रुपए के प्लॉटों का सौदा कर चुका है। गिरफ्तार किए गए जालसाजों की पहचान कविता रानी उर्फ रिया सहगल निवासी लुधियाना, राहुल निवासी जलंधर और रणवीर कुमार निवासी कपूरथला के रूप में हुई है। इस गैंग के 4 मास्टरमाइंड अब भी फरार हैं। पुलिस से बचने के लिए चारों आरोपी दुबई भाग निकले हैं। गुरुग्राम पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द आगे की कार्रवाई करेगी। इस गैंग के फर्जीवाड़े की सूचना प्रवर्तन निदेशालय को भी दे दी गई है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसकी जांच कर रही है। एसीपी प्रीतपाल सांगवान ने बताया कि आरोपी पालम विहार और सुशांतलोक पार्ट 1 में खाली प्लॉट की पहचान करते और ताला तोड़कर प्रवेश करते थे। 2 से 3 दिन तक जब कोई विवाद नहीं होता तो प्लॉट के दस्तावेज निकलवाकर फर्जी कागजों के आधार पर ब्लड रिलेशन में उसे ट्रांसफर करवा लेते थे। उसके बाद उस प्लॉट को करोड़ों रुपयों में बेच देते और रुपयों को फर्जी कंपनी के खातों में ट्रांसफर करवाते थे। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि गैंग ने कितने प्लॉट बेचे हैं, इसकी जांच चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि गैंग के मास्टरमाइंड संजय कथुरिया ने साल 2018 में जेल से बाहर आने पर गुरुग्राम में अंसल कंपनी के प्लॉटों की रेकी कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया। उसके बाद अपने साथी संदीप, अजय सहगल और राकेश कुमार के साथ मिलकर प्लॉटों को बेचने की योजना बनाई। इसके लिए इनको बहुत से लोगों की जरूरत थी जिन्हें प्लॉट के फर्जी मालिक बना सके। आरोपी राकेश कुमार पंजाब के विभिन्न स्थानों से अलग अलग व्यक्तियों को गुरुग्राम लेकर आता था। ये लोग उनकी विभिन्न नाम से फर्जी आईडी बनवाते थे। मास्टरमाइंड पंजाब से लाए गए व्यक्तियों को प्लॉट मालिक का फर्जी बेटा या रिश्तेदार बताकर पहले फर्जी ट्रांसफर डीड तैयार करवाते और फिर प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर 5 से 10 करोड़ में उस प्लॉट को बेच देते थे। इस संबंध में 8 मामले सुशांतलोक थाने और सेक्टर 29 में दर्ज हैं। ये हमने 3 आदमी 1-1 लाख के इनामी हैं, जिनमें से एक लेडी भी है, इनको अरेस्ट किया है। ये 2018-19 में सुशांतलोक पुलिस स्टेशन में 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ये आरोप था कि कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके, फर्जी आदमी खड़े करके और असल ओनर्स के साथ धोखाधड़ी करके अपने बैंक अकाउंट खुलवा के और फर्जी रजिस्ट्री करके पैसे हड़प लिए अपने अकाउंट्स में, और वो फिर बाद में फर्जी अकाउंट ही कुछ कंपनीज के खुलवाए हुए थे, उनमें पैसा ट्रांसफर करके और खा के भाग गए। जिसके संबंध में सुशांतलोक पुलिस स्टेशन में 8 एफआईआर दर्ज थी और 1 एफआईआर सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, जिसमें से 5 एफआईआर की हमारे को इन्वेस्टिगेशन दी गई। मेरे सुपरविजन में एक एसआईटी बनाई गई जिसका सुपरविजन डीसीपी क्राइम साहब कर रहे थे, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जिस पे हमने काम करते हुए हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर DLF-4 ने काफी बेहतरीन काम किया इंस्पेक्टर नवीन की अध्यक्षता में, और उन्होंने इन 3 लोगों को, जो 5 जो चिन्हित अपराधी थे, उनमें से 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पे हरियाणा सरकार ने 1-1 लाख रुपए के इनाम डिक्लेयर कर रखे। इनको 5 तारीख को हमने अरेस्ट किया था और उनको 6 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 10 तारीख तक उनका पुलिस रिमांड हमने लिया था और आज उनको अदालत में पेश किया है। उनकी जो पूछताछ में ये बातें सामने आई कि 2 इनके मुख्य आरोपी संजय कथुरिया और 1 मिस्टर सोनू थे, जो इनको सबको तैयार करके लेके आते थे। ये यहाँ पे गुड़गांव में फर्जी नाम से अकाउंट खुलवा लेते थे, पंजाब में भी इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं, और उस फर्जी नाम से ही उस जो अंसल की जो प्रॉपर्टी थी उसका जो फर्स्ट ओनर था उसके पेपर लेके और उसके नाम से पहले उसके ब्लड रिलेशन के नाम से ही कोई वो फर्जी आदमी खड़ा करके उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा के और फिर उसको किसी दूसरे आदमी को सेल कर देते थे, उससे बैंक अकाउंट में पैसे लेते थे और बैंक अकाउंट से कुछ फर्जी अकाउंट्स जो इन्होंने खुलवा रखे थे कंपनियों के नाम। क्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।